यूपी में उपचुनाव की काउंटिंग में मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत पर सपाइयों ने फर्रुखाबाद में जश्न मनाना शुरू कर दिया। सपाइयों ने आवास विकास स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नृत्य किया व मिष्ठान बांटा। मैनपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की जीत से सपाई उत्साहित हैं। निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, महासचिव मनदीप यादव, शशांक सक्सेना, विवेक यादव, पुष्पेंद्र यादव, मुजीबुल हसन, आलोक यादव, इलियास मंसूरी आदि ने समाजवादी पार्टी कार्यालय आवास विकास पर कार्यकर्ताओं और एकजुट होकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मिष्ठान वितरण किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है समाजवादी पार्टी की जीत पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूक जी ने बातचीत के दौरान। आज प्रेस वार्ता का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हो रहा था। इससे अतिरिक्त रामपुर और खतौली विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो रहा था। पार्टी के तमाम लोगों का निगाहें मैनपुरी उपचुनाव पर केंद्रित, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, माननीय नेताजी की कर्मस्थली रही है, माननीय नेताजी ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और आज वहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माननीय डिंपल यादव जी बहुत निर्णायक बढ़त की हुआ है। इसी बात की प्रसन्नता के लिए हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहाँ एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इसके अतिरिक्त खतौली में भी हम गठबंधन प्रत्याशी हमारे बढ़त की ओर हैं और रामपुर में भी, रामपुर का तो उदाहरण सबके सामने है, वो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है। 1980 से लगातार वहाँ पर माननीय आजम खान साहब जीतते रहे, लेकिन बहुत पोल कम हुआ है तो वहाँ भी कड़ा मुकाबला चल रहा है, अभी निर्णय की ओर कुछ नहीं है। लेकिन ये सब तीनों प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे हैं पार्टी के गठबंधन के साथ और विशेष तौर पर मैनपुरी लोकसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और लगभग जीत की तरफ है समाजवादी पार्टी। इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब में यहाँ से चूँकि काफ़ी लोग फर्रुखाबाद जनपद से निरंतर प्रचार के लिए भी गए हैं, सांसद जी मुन्नू बाबू जी वहाँ पर लगातार रहे, स्टार प्रचारक के रूप में नगर किशोर जी रहे, जसपाल जी रहे और तमाम मौजूद हैं यहाँ पर, विवेक यादव जी, मनदीप यादव जी, शशांक सक्सेना जी यहाँ मौजूद हैं, राजीव जी, चतुर्वेदी साहब, ये तमाम लोग वहाँ मैनपुरी में लोगों ने प्रचार किया, कुछ समय के लिए मैं भी गया था, तो इसका भी हम लोगों को ज़्यादा उत्साह है इस जीत का। और ये जीत का, इस जीत से बहुत परिवर्तन बड़ा वाला नहीं होने वाला है, लेकिन जनता का एक रुझान सामने आ गया कि जनता इस तरीके से अब परिवर्तन चाह रही है। उपचुनाव से बहुत बड़ा परिवर्तन संख्या बल में नहीं हो पाता है, लेकिन एक टेम्परामेंट जनता का जो बनता है वो चीज़ सामने कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, तो वो अब हम लोगों के सामने ये चीज़ आई है और ये खुशी की बात है कि ये बदलाव की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और निश्चित तौर पर ये बदलाव आगे बढ़ता बढ़ता एक सामान्य चुनाव, जनरल चुनाव में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। एक बार हम पुनः सबको बहुत बधाई देते हैं मैनपुरी में शानदार बढ़त के लिए और इस उम्मीद के लिए कि समाजवादी पार्टियों का भविष्य सामने हमें दिखाई देगा। निश्चित तौर पर कोई एक जीत जो है अगली जीत के लिए, मैंने कहा ना कि ये लोग उपचुनाव से कोई संख्या बल में बहुत परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक टेम्परामेंट सामने आता है तो उत्साह हो और उत्साह से विजय मिलती है। निकाय चुनाव भी मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, निकाय चुनाव लगा हुआ है और निश्चित तौर पर हमें उसमें बहुत सफलता मिली। संख्या अभी तो चूँकि 10 तारीख की लास्ट डेट है, आवेदन आने के उपरांत ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। यहाँ तक जीतने की बात है, हम 9 सीटें जीतने की का प्रयास करेंगे, 9 सीटें जीतने की हम स्थिति में। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। खाना यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री।
इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद।